तरीन खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर सरनवाल। विस्फोटक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विस्फोटक न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, विस्फोटक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। गोलीबारी में एक नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा के करीब भारतीय रक्षा चौकियों और गांवों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और गोले दागे। दिल्ली के दंगल में राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान हर तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी की ओर से एक रैप सॉन्ग रिलीज किया गया है जिसमें दिल्ली का टाइम आएगा अपना मोदी लाएगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी की ओर से जारी इस वीडियो में प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी गाना गाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में विवादित बयान दिया। संसद के बजट सत्र के चौथे दिन विपक्ष की ओर से बीजेपी के सांसद अनंत हेगड़े के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा पर निशाना साधा और कुछ ऐसा कहा जिसे बाद में संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित बयान के मामले में बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने सफाई दी है। पार्टी की नाराजगी के बाद अनंत हेगड़े ने कहा कि मेरा भाषण सार्वजनिक है, अगर कोई सुनना चाहता है तो यह ऑनलाइन मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैंने कभी महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, मैं सिर्फ हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा कर रहा था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली आप ने मंगलवार को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी नेताओं ने जारी किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि देशभक्ति को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और बोली जाने वाली अंग्रेजी कक्षाएं संचालित की जाएंगी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो सामने आ चुका है। इसी दौरान सीएम ने कहा, मैं किसी भी पार्टी से बहस करने के लिए तैयार हूं, कोई भी बहस करने के लिए आ जाए। बीजेपी वाले अपना सीएम कैंडिडेट का नाम बता दें तो मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनार्दन द्विवेदी के बेटे समीर द्विवेदी ने मंगलवार को बीजेपी की सदस्यता ले ली है। करीब डेढ़ दशक तक कांग्रेस के संगठन महासचिव रहे जनार्दन द्विवेदी की गिनती सोनिया गांधी के करीबियों में होती है। बेटे समीर के बीजेपी का दामन थामने पर जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि उन्हें इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर समीर ने बीजेपी ज्वाइन की है तो यह उनका खुद का फैसला है। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने इच्छा जताई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो जमीन मस्जिद के लिए मिलनी है उस पर धर्मशाला, महिला अस्पताल और स्कूल बने। आपको बता दें कि कोर्ट ने अयोध्या केस में राम मंदिर के हक में फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को राम मंदिर के निर्माण के लिए 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था, जबकि मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। कोरोना से चीन में अब तक 425 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20,000 से ज्यादा केस की पुष्टि हो चुकी है। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर चुका है। कई देशों ने चीन के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं, जबकि कई देश चीन में फंसे अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट कर निकाल रहा है। बिग बॉस 13 में पारस छाबड़ा के लव ट्रायंगल के बाद अब आसिम रियाज की लव लाइफ चर्चा में बनी हुई है। हिमांशी खुराना संग आसिम की बढ़ती नजदीकियों को देखकर मास्टरमाइंड विकास गुप्ता ने आसिम की रियल लाइफ गर्लफ्रेंड के बारे में खुलासा किया। वीकेंड का वार में सलमान खान ने भी आसिम से उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन आसिम का कहना था कि उनका उनकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें विस्फोटक न्यूज। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स।